इस टॉपिक में विच इज़ द गैस्ट्रिक अल्सर, इसको हम एक्सप्लेन करते और दिस इज़ अगेन इट इज़ कंसर्न विद इट मे बी गैस्ट्रिक अल्सर, इट मे बी ड्यूडेनल अल्सर, तो ये जी आई ट्रैक के रिलेटेड ही है विच इज़ कॉल्ड एज अल्सर. सो द डाइजेस्टिव ट्रैक इज कोटेड, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जो पूरे का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है राइट फ्रॉम द इसोफेगस और द माउथ टू द एनस, तो इट इज़ ऑल कोटेड विद म्यूकस. और ये म्यूकस है जो कि अंडरलाइंग मसल्स को, अंडरलाइंग लेयर्स को जी आई ट्रैक की उसको प्रोटेक्ट करता है. और समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि म्यूकस जो है वो कहीं से यूँ समझे जैसे ब्रेक हो गया है और वो फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं दे स्टार्ट डाइजेस्टिंग द वॉल्स ऑफ द स्टमक और द ड्यूडेनम. और उसी हवाले से फिर एक सोर बन जाता है और ये दिस इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज द गैस अल्सर्स. तो सो इट इज़ और ऑब्वियसली इट इज़ द अमाउंट ऑफ एसिड इन फैक्ट इज़ इंक्रीज्ड इन दी ऑन इन अगर एसिड की अमाउंट बढ़ जाए, जैसे क्योंकि स्टमक के अंदर आपको पता है कि HCl प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं जो कि फूड की pH को एडजस्ट करती हैं, अगर वो एसिड बढ़ जाए, अगर उसकी एसिड की अमाउंट बढ़ जाए और जिसकी वजह से वो फिर म्यूकस जो है वो भी डाइजेस्ट हो जाती है और फिर साथ ही साथ अंडरलाइंग मसल्स भी डाइजेस्ट होने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे होल भी बन सकता है. सो और द अमाउंट ऑफ म्यूकस इज डिक्रीज्ड, तो सो अल्सर डिवेलप्स. तो सोर इज सोर इन डाइजेस्टिव ट्रैक पर्टिकुलरली स्टमक एंड ड्यूडेनम. नाउ दिस इज फॉर्म्ड व्हेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स begin to eat away the walls of GI tract due to the breakdown of mucus layer lining the stomach. Now a hole in the lining of the stomach corroded by acidic digestive juices which are secreted by the stomach cells. So this is what happens in ulcer. Ke sabse pehle to जो म्यूकस लेयर है वो ब्रेक होती है और उसके बाद क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर तो यही है, जब ये ब्रेक हो जाती है तो वो फिर इसका स्टमक के मसल्स, स्टमक की लाइनिंग्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, वो डाइजेस्ट होने एक लिहाज से शुरू जाती हैं. और ये डायग्रामेटिकली हम देख रहे हैं कि दिस इज़ द स्टमक और ये वो हिस्सा है जो कि वो एक सोर बन गया, ये सोर बन गया और ये फिर बढ़ते बढ़ते ये अंडरलाइन मसल्स को भी डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है. और ये वही उसी चीज़ को एक और अंदाज से, यानी कलेक्टिवली पूरे एक स्टमक के हवाले से हम देख रहे हैं कि वेयर इट मे हैपन, ये किसी जगह भी हो सकता है. और अगर ये चीज़ जो है ड्यूडेनम में हो गई तो फिर ये ड्यूडेनल अल्सर कहलाता है. अब हम ये कॉजेज की बात करते हैं कि ये जो गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर भी कहते हैं जैसे, क्योंकि अगरचे ये दो अलग अलग चीज़ें हैं गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर, तो ये इसके कॉजेज क्या हैं. तो सबसे बड़ा कॉज तो यही है कि स्पाइसी फूड का एक्सेसिव इस्तेमाल. और ये आम तौर पर ऐसे लोग होते हैं कि एक नॉर्मल जो फूड होता है उसके अंदर बकायदा वो जो चिलीज़ हैं, चिली पाउडर जो है वो स्प्रे करके उसको लगा के खाते हैं. तो या फिर और ज़ाहिर है कि एक्सेसिव इस्तेमाल से वो चिलीज़ जो हैं वो फिर उस म्यूकस को ब्रेक करती हैं. देन देयर इज़ अनदर रीज़न विच इज़ द हेलिकोबैक्टर पाइलोराई. तो ये बैक्टीरिया हैं जो कि इनका तो खैर हमें नहीं पता होता कि हमारी बॉडी में चले गए या नहीं चले गए, लेकिन इफ़ दे हैपन टू मूव इनटू द बॉडी तो इट मे कॉज दिस अल्सर. देन अल्कोहलिक बीवरेजेस, ऐसे मशरूबात जिसके अंदर अल्कोहल होती है या वो लोग जो सिर्फ अल्कोहल एक्सेसिवली इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर भी ये चांसेस हो सकते हैं कि वो अल्सर होने के. Then there is a irregular use of certain painkillers या pain relievers. आजकल ये बहुत ही आम चीज़ हो गई है कि ज़रा सा भी हेडेक हो या मस्कुलर पेन हो या जॉइंट पेन हो या किसी किस्म की बॉडी के अंदर पेन है तो लोग वो इस तरह की पेन किलर्स इस्तेमाल करते हैं. तो ये भी एक्सेसिव यूज़ अगर हो
तो ये अल्सर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद अनट्रीटेड स्ट्रेस, ये स्ट्रेस जो है आजकल के माहौल में तो वो बहुत ही ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स जब उनके इम्तहानी दिनों में वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो उनका खाना पीना बंद हो जाता है, या फिर उनकी उनकी भूख जैसे कहते हैं भूख मर जाती है, तो ऐसे में गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन जारी रहती है और वो फिर अल्सर के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये दीज आर द कॉमन दैट इज़ द कॉजेज ऑफ अल्सर। इससे ज़रूर हम बच सकते हैं अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखें, यानी प्रॉपरली फूड को मैस्टिकेट करें, अल्कोहलिक बीवरेज इस्तेमाल ना की जाए, और ये जो पेन किलर्स हैं उनको कम से कम इस्तेमाल किया जाए, या फिर स्ट्रेस में ना आया जाए। यानी चीज़ को अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसको जहन में ऐसे बार बार उसको डिस्कस ना किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी मूजब बनती हैं इस अल्सर का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस गैस्ट्रिक अल्सर।